नमस्ते दोस्तों, मैं पूनम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो चलो स्वीट कॉर्न सूप बनाते हैं, मजा आएगा। इसे मैं मेनी पीस रही हूँ, ये देखिए। आप ब्लेंडिंग जार में भी अच्छे से पीस लीजिए, एकदम बारीक पीसना है। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने पीस लिया है, तो उठा लेती हूँ। एकदम महीन पेस्ट इसका बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पिसा हुआ स्वीट कॉर्न ले लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पैन में मैं डाल दे रही हूँ। तो मैं चार जन के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं चार कटोरी पानी डाल रही हूँ इसे इसमें। तो यहीं पे मैंने कुछ एक खड़े कॉर्न लिए हैं, ये मैंने डायरेक्ट अभी खेत से तोड़ के लाया था, वही है। तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ, पकाना है इसे अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हैं, आप अपने मन पसंद की सब्जियाँ ले सकते हैं। तो मैं इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर और ये पुदीने के पत्ते कुछ, और यहीं पे मैंने पत्ता गोभी और ये अदरक इसमें डाल दे रही हूँ। पकेंगे सब साथ साथ, तो चला ले रही हूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स, इसे चलाते रहना है कंटिन्यूस, और ये देखिए इसमें हल्का हल्का उबाल आने लगा है। तो ये देखिए दोस्तों, उबल रहा है। तो ये जो कचड़ा है इसको हम निकाल लेंगे, एक बार निकाल लेंगे तो ये दोबारा नहीं आएगा, तो इसे निकाल लेना है हमें। तो देखिए दोस्तों, ये पतला हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च पाउडर। खुशबू लाजवाब आ रही है, तो इसमें मैं टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल दूंगी। मैं कुटी हुई लाल मिर्ची में डाल रही हूँ थोड़ी सी, और इसी में मैं थोड़ी सी ये चीनी, इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाला है स्वीट कॉर्न का स्वीट बरकरार रखने के लिए। तो अच्छे से ये मिक्स कर लेना है, पका रही हूँ मैं इसको। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक चम्मच आरा रोट लिया है, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, हम हल्का हल्का डालेंगे और चलाएंगे। एक बार में नहीं डालना है, हल्का हल्का डालना है, हल्का हल्का चला लेना है, यानी आरा रोट डालते रहना है और अपना सूप को है ये चलाते रहना है, ताकि हमारा सूप रेस्टोरेंट जैसा बने। तो ये देखिए, अब इसी से ये मोटा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा मोटा भी नहीं करना है, ज्यादा पतला भी नहीं करना है। इतना मोटा, ज्यादा मोटा करने से क्या होगा, हमारा मुंह जल जाएगा। तो ये सूप रहता है पतला ही अच्छा, सूप पीने में पतला रहे तो अच्छा ही लगता है। तो ये डालने के बाद हमें एक मिनट के लिए अच्छे से पका लेना है, ताकि कच्चापन ना आए। तो देखिए सूप कितना बेहतरीन लग रहा है। तो अच्छे से मैं पका ले रही हूँ एक मिनट के लिए। बस ये रेडी हो गया है सूप हमारा, रेडी हो चुका है, ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा पतला है। तो इसपे मैं डाल दे रही हूँ ये पुदीने के पत्ते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी, तो बारिश के मौसम में ये स्वीट कॉर्न सूप, आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो ये हेल्दी सा स्वीट कॉर्न बन के रेडी हो चुका है, तो पीजिए और हेल्दी हेल्दी रहिए, और ये अपने बच्चों को पिलाइए, बड़ों को पिलाइए, और हेल्दी हेल्दी रखिए। भाई मैं तो जा रही हूँ पीने, आप सभी को भी पीना है तो बनाइए, या तो मेरे घर पे आ जाइए। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।